टॉस में नहीं जाना, अभी टॉस के पास खड़ा कर दिया मैंने, कहा इसमें बैठ जा, फ्रंट सीट दिला देते हैं तेरे को, फ्रंट सीट दिलाई है इसको, अब इसमें जाना है, नहीं जाना है, सवारी पूरी करो, सवारी है। रूम में क्या हालत कर रही है इसके साथ, पता नहीं क्या क्या पंगे कर रहे हो, हैं कुछ तो कर रहे हो, क्या देखा जा रहा है इधर, यहाँ पे कुछ रो रहे हैं चेहरे पुरानी यादें, फोकस क्या फोकस करना है, तेरे नाम जय वीरू तो है, फोटो ही देखो ना, तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे, और आज के दिन की हमारी शुरुआत हो रही है, कुछ घर से निकले थे जनाब जी को छोड़ने के लिए, आज इनको छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, आज कल आए तो आज वापसी, मैं इसको बोल रहा हूँ रुक जा ये बात मेरा भी बहुत है पर क्या करें, मजबूरी है, काम है, बहुत सी चीजें हैं करना है, तो इनको छोड़ते हैं, इनको गाड़ी में बिठाते हैं फिर वापस जाएंगे, ये देखते हैं क्या रहता है दिन को आज, तो बाकी इनका भी हाल पूछते रहेंगे, इनका भी व्लॉग देख सकते हो कल कि जनाब जी का दिन कैसा रहा जाते हुए, ये तो अभी से ही कह रहा कि पता नहीं कितना दूर है कितना नहीं है, अब वो तो कल ही पता चलेगा कि कितना दूर था, आज जाते हुए इसको पता चलना है, चलो देखते कल तो नहीं पता कल तो नहीं पता चला, आज पता चलेगा, तो चलो इनको बिठाते हैं गाड़ी में फिर चलते हैं वापिस। तो फाइनली गए सिटी तो पहुंच गए, लेकिन सिटी में ना इसको बंदे को गाड़ी नहीं पसंद आ रही, कभी कह रहा है जाइलो में नहीं जाना, कभी कह रहा है डिजायर में नहीं जाना, कभी कहता है इटॉस में नहीं जाना, अभी इटॉस के पास खड़ा कर दिया मैंने, कहा इसमें बैठ जा, फ्रंट सीट दिला देते हैं तेरे को, फ्रंट सीट दिलाई है इसको, अब इसमें जाना है, नहीं जाना है, सवारी पूरी करो, सवारी एक कम है इसमें, तो वो कह रहे हैं 10-15 मिनट लगेंगे, तो बिठाते हैं इसको फिर निकलेंगे, तब दिखाएंगे आपको कि कौन सी गाड़ी में फाइनली ये जाएगा, इसमें जाएगा या डिजायर में जाएगा, अब ये नहीं पता, इसको बिठा दिया अभी, आप जाइए और जाइलो में मिलते हैं अभी 4 दिन के बाद आपको, ठीक है, बाय बाय, इसको बिठा के भी निकल रहे हैं वापस। तो गाइज गया था सौरभ को छोड़ने, उसको तो छोड़ के वापस आ गया हूँ, लेकिन यार ये बसों की कोई पिकनिक जा रही है मुझे लग रहा है स्कूल की, और इन्होंने ना लाइन लगा के रखी, मैंने अभी तक 12 गाड़ियां पास कर ली हैं, लेकिन साइड ही नहीं दे रहे यार, बड़ी मुश्किल से साइड ले रहा हूँ इनसे, तो अभी मैं घर के बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल पास ही है, तो अभी साइड लेते हैं इनसे, और ये रहा यहाँ के कुछ वाइब्स हैं, रात को तो नहीं दिखा पाया, मेरा यहाँ पे स्कूल होता था, ये ऊपर सामने स्कूल है और नीचे शायद बच्चों का कुछ टेनिस वाला वो चल रहा है, और ये स्कूल की पिकनिक, बाकी तो आप देख सकते हो दोनों साइड में ये पूल है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा वो है दरिया टाइप आता है, जब बारिश होती है तब ज़्यादा पानी आता है इसमें, तब होता है, और यहाँ की वाइब्स कुछ अलग ही हैं, बाकी आपको घर पे पहुँच के दिखाता हूँ, कविता फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, वेट कर रही है, वो ब्रेकफास्ट करना होगा उसने, तो उसने भी नहीं किया, मैं भी नहीं करके गया क्योंकि मैं सौरभ को छोड़ने जाना था उस चक्कर में, तो अभी का सीन ये है कि अभी पहुँचता हूँ घर पे, फिर दिखाता हूँ आपको, इनसे साइड लेता हूँ फटाफट, क्योंकि साइड लेंगे तो तभी निकल पाएंगे, और गाड़ी के पीछे क्या लिखा है, मेंढर की कली जम्मू को चली, वाह दिखाता हूँ आपको ये भी, लास्ट में बिल्कुल नंबर प्लेट के साथ में लिखा हुआ है। फाइनली अपनी घर के पास पहुंच गया हूं, और जीजू यहां पे गाड़ी धो रहे हैं, और यहां पे जीजू गाड़ी धो रहे हैं, पानी छूटो ना, और मैंने बोला मेरा शीशा थोड़ा गंदा है इसमें पानी फेंकना, अभी ये फेंकेंगे, क्योंकि यहां पे गाड़ी धोने का भी टेंशन नहीं है, वो सामने रहा घर, और ये रहे जीजू गाड़ी धो रहे हैं, यस यस यस, शीशा साफ हो गया, चलो। तो फाइनली गाइज घर पे पहुंच गए, ये रही अपनी गाड़ी, और ये रहा ग्राउंड, और ये देख सकते हो अपना आगे यहाँ पे पिकनिक आई है, जो बसेस में बोला था वो सारी यहाँ पे आ रही हैं, और ये रहा यहाँ का कुछ व्यू, तो चलो चलते हैं अंदर, अभी कविता भी वेट कर रही है, धूप लग रही है, हैं धूप ऊपर भी है, ब्रेकफास्ट कर लिया, चलो फिर आ जाओ जल्दी, भूख लगी है जबरदस्त। गाइज मैं तो गया था, लेकिन मैडम जी ने ना इन्होंने ब्रेकफास्ट पिकनिक की, पता नहीं क्या कह रहे हैं, भूख नहीं है तो उठो डालो और मुझे भी दो और खुद भी खाओ, चलो छेती छेती, ठंड है ज्यादा है, कोई नहीं अब आस्ता आस्ता आदत डालनी पड़ेगी सच में।
तो क्यों नहीं, आदत तो डालनी पड़ेगी यार, अगर एक साथ खाना खाना है तो फिर आदत डालनी पड़ेगी, क्यों सही बोला। तो चलो अभी खाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अभी उसके बाद देखते हैं दिन में क्या बनेगा क्या नहीं। तो गाइस दिन को खाना शाना खा के उसके बाद सो गया था, अभी उठा हूँ लेकिन आंखें ना पूरी बारी बारी लग रही है, अभी भी जैसे नींद में हूँ। और अभी उठा हूँ और ये देखो ये पलटन रूम में क्या हालत कर रही है इसके साथ, पता नहीं क्या पंगे कर रहे हो हैं, कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, ये जो हंस रही है ये कुछ ना कुछ किया आप लोगों ने, किसने किया, क्या किया, तो देखना खुद घूम गई तो उधर गिरेगी तो देखना कैसे सिर में लगती है फिर, ठीक है ना। और एक इधर और आ गया जड्डू उस्ताद, आगे छोड़ देना उसका वो बनी इधर उधर। हाँ जी बन गया इनका, बन गया वही, क्या कर रहा है, क्या बंद कर रहा है, क्या खोल रहा है, नानू का फोन ले रहा है, फोन दे दो, फोन दे दो। हेलो मैं तो सोया उठा हूँ, इधर इनकी अलग महफिल बनी हुई है, इसमें बहुत बंदे शात है ना इसलिए। क्या देखा जा रहा है इधर, यहाँ पे कुछ रो रहे हैं चेहरे पुरानी यादें, कुछ रो रहे हैं कुछ खुश हो रहे हैं, यही है एल्बम देख रहे हैं, अपना फेस देख रहे हैं, तेरा सब पहली जो एल्बम बनी थी उसको देख रहे हैं, रो कौन रहा है, आपकी दीदी मम्मा जी, मम्मी भी या दीदी भी, अच्छा इनको मामू की याद आ रही है, ये बुआ थी पीछे मेरी फोटो देख के हंसना नहीं, अपने उस पे फोकस करना नहीं, नहीं मेरा फोटो देख के हंसना नहीं। ये किरणा दीदी है ऊपर, पता है ये किरणा दीदी ऊपर दादी है, वो दादी है सामने, वो दादी लास्ट वाले। मैं तो पहचान लूंगा, जिदू क्या देख रहा है, विकास, ये विकास का है, ये दूसरे सुभाष भैया का, इधर ही कहीं मेरा भी होगा, फोकस। नहीं क्या फोकस करना, हैं तेरे नाम ही है स्टाइल, बस अब रह ही गया है बाल, अब एक नहीं रहा, जीजा जीजा बड़े लेट पहचाने, देखो देखो मैं मनु तक स्मित ने बोला निकल जा पूजा तक है ये आई एम जय वीरू तो है, फोटो ही देखो ना, तब और आज में बड़ा फर्क है। तो गाइस अभी एलईडी की इंस्टॉलेशन करवाई है आज ही, और अभी इसको फिटिंग करना है वहाँ पे, और यहाँ पे सभी आज ना पुराने भतीजे के मुंडन की वीडियोस देखते हुए सारे, मतलब पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है इस मोमेंट को, पुरानी वीडियोस के निकाल के डांस डिस्को वाली। यही तो होता है ना मिलने का, तो वो लोग देखो ना जहाँ पे मिलना होता है तो वो आते हैं।